को अब पंजाब से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के दिग्गज हिंदू नेता सुनील झाकड़ आज भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। इससे पहले गुजरात से कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। झाकड़ का परिवार करीब 50 साल से कांग्रेस के साथ में रहा है। इस वक्त उनकी तीसरी पीढ़ी से भतीजे संदीप झाकड़ कांग्रेस के विधायक बने हैं। भाजपा ज्वाइन करने के बाद झाकड़ ने कहा कि 1972 से लेकर 1922 तक हर अच्छे बुरे समय में हमारा परिवार 50 साल तक कांग्रेस के साथ रहा। झाकड़ ने यह भी कहा कि मैंने कभी राजनीति को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कभी किसी को तोड़ने की कोशिश भी नहीं की। इसके साथ ही झाकड़ ने कहा कि मैंने राष्ट्रीयता, एकता और पंजाब के भाईचारक सांझ के लिए यह कदम उठाया। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में दंगों के वक्त भी हिंदू सिख भाईचारा कभी नहीं टूटा। झाकड़ ने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि मुझे इस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया गया कि मैंने पंजाब को जाति, धर्म और परसेंटेज के आधार पर ना बटने की बात कही। झाकड़ ने आगे कहा कि मैंने रिश्तों को हमेशा उसूलों की तरह निभाया है। जब पार्टी अपने सिद्धांत से ही हट जाए तो इसके बारे में सोचना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।